जैसा कि आपने देखा कि हमारी सारी पैकिंग हो चुकी थी और हम लोग जाने वाले थे घर, और मैंने अपने सारे फ्रेंड को भी बुला लिया कि आ जाओ यार साथ में घूमेंगे, जिसको नहीं आने का मन था वो भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही, और सारे दोस्त भी मेरे आ चुके हैं, सबका मैसेज आ रहा है जिया तुम नहीं आई। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज हम लोग निकलने वाले थे जिया के घर की तरफ, लेकिन जिया के घर जो है आज हम लोग नहीं गए, कुछ कारण ही ऐसा हो गया, अचानक से कॉल आ गया कि इस वजह से जो है हम लोगों को अपना जो है ट्रेवल थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, और वह क्या कारण है आपको आगे चल करके बताएंगे। फिलहाल क्रियांश जो है नीचे से आ गया है अपने दादी के यहाँ से, और यहाँ पर जो है ये कर रहा है, देख रहे हैं। हेलो बोलो, और इसको जो है घूमने का आदत लग गया है, इसको बस घूमना चाहिए क्योंकि घुमाने वाला। अब इसको रूम के अंदर जो लाया गया है, बेचारा परेशान है क्या कि रूम के अंदर हो गए हम कैद, हमको निकलना है बाहर, है ना क्रियांश? दादी को देख के इतना जोर से चिल्लाया कि दादी लेके भाग गए। नीचे रखेगा और पुच्ची दे दो, सबको पुच्ची दे दो। और यहाँ पर बन रहा है जी खाना, तो चावल जो है यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर भुजिया पहले से तैयार है, और भी कुछ सब्जी में साग बनेगा, दाल भी बनेगा, दाल बन चुका है। दाल नहीं बनेगा तो जानती है क्या दिक्कत होती है मेरे साथ, दाल के बिना हमें खाया नहीं जाता है कभी भी चावल। जिया उधर खाना बना रही है जी, और हम चलते हैं नहाने, और आज जो है आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन भी शेयर कर लेते हैं। अब में से कई लोग के कमेंट आते रहते हैं कि आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं, कौन सा हेयर शैम्पू यूज करते हैं, कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं, तो आज आपको सब कुछ बताते हैं एक एक करके। अपने हेयर केयर के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ वह है जी वॉ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज। सबसे पहले जो मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वॉ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। मैं अपने हेयर के लिए ब्लैक सीड ऑनियन ऑयल ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि यह बना होता है जी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से। कोल्ड प्रेस्ड एक्सट्रैक्शन प्रोटेक्ट द न्यूट्रिशनल गुडनेस ऑफ द ऑयल फ्रॉम हाई टेम्परेचर्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड रिचर इन विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स दैट स्ट्रेंथन हेयर एंड नरिश स्कैल्प बेटर। साथ ही इसमें होता है जी सल्फर, जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और आपके नए हेयर को ग्रो करता है। यह ऑयल जो है इतना प्योर होता है कि इट ट्रेवल्स फ्रॉम सीड डायरेक्टली इनटू द स्कैल्प, मींस देयर इज नो एडल्टरेशन इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूं जी इसको यूज कैसे करना है। शैम्पू करने से पहले जो है इसको आपको अपने बाल पर लगा लेना है और 30 मिनट तक छोड़ देना। अगर आप चाहते हैं आपको बेस्ट रिजल्ट मिले तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। अब जो मैं अगला प्रोडक्ट यूज करने वाला हूं जी वह है वॉ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। दिस शैम्पू इज फॉर्मुलेटेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5। यह आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, साथ ही ब्लॉक्ड रूट को क्लेरिफाई करता है एंड ऑल्सो स्मूथन हेयर क्यूटिकल्स दैट गिव्स हेयर ए हेल्दी ग्लोस एंड लस्टरस लुक। जैसा कि आप देख सकते हैं जी शैम्पू को यूज करने के बाद मेरे बाल जो है एकदम स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं। अब जो मैं अगला प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ जी वह है वॉ स्किन साइंस का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर। यह जो हेयर कंडीशनर है जी, इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, जैसे कि पाराबीन, मिनरल ऑयल और सिलिकॉन कलर। यह बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जैसे कि रेड ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल और व्हीट प्रोटीन। यह आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, आपके डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही लस्टर और वॉल्यूम ऐड करता है आपके हेयर को। तो जी हमने कर लिया अपना हेयर केयर, और अपने हेयर केयर का जो भी रूटीन था आपके साथ शेयर कर लिया, और सबसे अच्छी बात क्या है कि वॉ स्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट है सभी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता। ऑनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज के जितने भी प्रोडक्ट हमने आपको इस वीडियो में दिखाए, यह जो है मेन और वोमेन दोनों के लिए सुटेबल है और सभी तरह के हेयर टाइप के लिए सुटेबल है। तो जी हमने इन सभी प्रोडक्ट का लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भी अपना हेयर केयर करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए इन सभी प्रोडक्ट को जाकर के परचेज करिए, और हाँ जी बी वो नेचुरली। और यहाँ हमारा लग गया जी खाना, तो जल्दी से बैठते हैं खाने। मूली मुद्दो, खीरा है तो वो दे दो, खीरा है, खीरा सबको सर दिए, कोई नहीं खाया। गाजर, गाजर खत्म, चुकंदर, मोह खत्म, सब खत्म। मार्केट जाइए, अब लाना पड़ेगा मार्केट से, खत्म नहीं होगा। मूली उतना अच्छा लगता है नहीं, नींबू होगा तो ऊपर से नींबू भी दे दो, ज्यादा अच्छा लगेगा फिर सलाद। क्रियांश है अपना खेल रहा है झा 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 झा। तो जिया जो है अभी स्नान नहीं की है, और हम जो है स्नान कर चुके हैं, और हमको जो है दोबारा स्नान करना पड़ेगा 6 बजे के बाद फिर से, क्योंकि जिया को पहले से पता था कि ग्रहण के बाद जो एक बार फिर से नहाना पड़ेगा। तो बोली मत नहाओ, बाद में नहाना। जिया तो नहीं नहाई, हम नहा लिए, क्रियांश भी नहा लिया, इसको भी दोबारा नहाना पड़ेगा। नहीं बोलो मैं नहीं नहाऊंगा, इसका बस शरीर पोछ दिया जाएगा, बच्चे सर्दी लग गया, सर्दी लग गया तो हमें तो स्नान करना ही पड़ेगा, दोबारा स्नान करेंगे। ओए फिलहाल ये बाहर से घूम करके आया हुआ है, तो तबाही मचा करके रखा हुआ है अच्छे से, तो इसको जो है इसी तरह से मन जो है इसका बहलाया जा रहा है, झात झात कर। The next day. क्रियांश को देख सकते हैं दादी कर रही है काम, और है कि इस काम को सब चीज को फेंकना है। उठो, ये देख सकते हैं जाना है इसको दादी के पास।
दादी है काम कर रही है। अरे तुम रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। तुम जो कर रहे हो ना सब रिकॉर्ड हो रहा है। कि हम बदमाशी ना कहीं नहीं जा रही इतनी ज्यादा कर। क्रियांश का भी मालिश होना है, मालिश होने के बाद इसकी नई नई होगी है ना। उसी सोच रहे हैं कि आज इसको नहीं नहाया जाए। कुछ देर में आपको कारण बताएंगे कि क्यों है। नहीं कम से कम देगा तो पोज देंगे। दादी बुला रही है जाओ क्रियांश। बल्ले 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 बल्ले। दादी क्या कर रही है। दादी पास चलो। देख सकते हैं पापा इसके काम करते हैं और यहाँ पे है बड़ा सा फोटो जिसको हमको लगाना है कहीं पे बेड वेड साइड साइड लगाना है। यहाँ पे बेड लगेगा बाबा का और यहाँ पे लगाएंगे और ऊपर पे बहुत सारे टॉय रखा हुआ है बाबा का। तो फिलहाल इसके पापा यहाँ पे काम करते हैं तो इस फोटो को यहाँ रखा गया है। इधर माँ काम कर रही है, बना रही है करेले का। क्या बना रहे हो। जो कि ये सीज ही नहीं रहा अभी। उन्हें सीझाए तो बिल्कुल नहीं सीझाई दुला मसाला। तो ऐसा करेला है कि ये सीझी नहीं रहा है। माँ पूरा गुस्सा रही थी कैसा करेला लेके आ गए सीझी नहीं रहा है। साफ नहीं सीझा उसको हम क्या करें। हाँ सही बात। नीचे वाला फ्रिज में नींबू है बाहरी में रखा हुआ जहाँ पर सेब सरस मिला चीनी होता है लेके आते हैं। हमारी हो गई जी पेट पूजा और अब बारी है पापा को कोर्ट छोड़ने की। तो पापा नीचे गए हुए हैं तो वह तैयार होंगे और चलेंगे। पीछे आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी वह है क्रियांश की। क्रियांश का हो रहा है मालिश, देखिए वहाँ पर लेटा हुआ है। तो क्रियांश वहाँ से अपना शोर मचा रहा है। कुछ देर पहले बहुत अच्छे से खेला, अब जो है टाइम भी हो चुका है अच्छा खासा। तो कहे कि अब जो है ज्यादा देर जो है इसको खुला शरीर नहीं रखना है, जल्दी से इसका मालिश हो जाए। और जैसे ही मालिश हो जाएगा फिर इसका नहीं नहीं हो जाएगा और जैसे ही नहा लेगा फिर उसके बाद अपना खाना खाएगा और खाना खाने के बाद सो जाएगा। फिर जैसे ही सो जाता है फिर बाकी सभी का काम स्टार्ट होता है। क्रियांश को देख लिया जाए तो पापा हो गए हैं तैयार, चलते हैं बेटा। बाय 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 जल्दी आना। बाय Later. पापा को छोड़ करके पहुंच के घर और जैसे ही घर पहुंचे तो यह रोने की आवाज सुन रहे थे क्रियांश की। तो हमने सोचा क्या हुआ क्रियांश को, जल्दी से दौड़ करके गए तो क्या हुआ अभी देखिए क्यों रो रहा है। क्रियांश रो इसलिए रहा है क्योंकि इसको कपड़ा पहनाया जा रहा है। कपड़ा पहनाया जा रहा है। ओए 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 क्यों पहनाया कपड़ा ऐसे, क्यों पहनाया। शादी हो जाएगी ना क्रियांश बेटा। अब तो और रोएगा, कंघी क्यों किया जा रहा है। तो क्रियांश जो है ड्रेस पहन लिया है और भाग करके आ गया है अपने पापा के पास। पापा के पास आने के बाद जो है अब इसको शांति मिली है ना क्रियांश। अब इसको लेकर के चलते हैं खिड़की के पास, वहाँ भी यह खेलता है मजे में। अब इसको काजल लगाएंगे क्रियांश तुमको। तब तो और रोएगा ये। देखो ये देखो क्रियांश डर गया। नहीं लगेगा क्रियांश, कोई काजल नहीं लगेगा। चले चलते। तो क्रियांश आ गया है खिड़की के पास। खिड़की के पास आकर भी क्रियांश जो है खूब मजे करता है, बाहर के नजारे देखता है। देख सकते हैं ओए ओए क्रियांश। वाह कौन है बाहर, बाहर कौन है। क्या देख रहा है बाहर क्रियांश, क्या देख रहा है। केला का पेड़ देख रहा है। हाँ केला का पेड़ देख रहा है। ओए ओए ओए। जैसा कि आपने देखा कि हमारी सारी पैकिंग हो चुकी थी और हम लोग जाने वाले थे घर, और मैंने अपने सारे फ्रेंड को भी बुला लिया कि आ जाओ यार साथ में घूमेंगे, जिसको नहीं आने का मन था वो भी आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा रही। ऐसा हो गया कि ग्रहण था तो सबने मना किया कि ग्रहण के दिन बच्चे को लेकर के नहीं जाना है, मॉर्निंग में जाना होगा तो 8 बजे तक तुम घर पहुंच जाती हो तो ठीक है, 9 बजे के बाद नहीं निकलना है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है आज के दिन चलेंगे। और सारे दोस्त भी मेरे आ चुके हैं, सबका मैसेज आ रहा है जिया तुम नहीं आई। तो बात ऐसा हो गया कि बाबू का हो गया तबीयत खराब। अब सभी बोल रहे हैं कि इस हालत में लेके नहीं जाना है बाबू को, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि तबीयत ठीक हो जाएगा तो चलेंगे। सारे पैकिंग मेरे हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, बस बीच में बाबू का तबीयत खराब हो गया। अब भी बाबू कैसे भी करके मैं बाबू को सुलाई हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। बहुत मुश्किल से बाबू को सुलाया है मैंने, तो क्या कर सकते हैं जी। बीच में बच्चे जब छोटे रहते ना तो लगता है मुझे कि बीच बीच में पता नहीं अभी ठीक था, अचानक से फिर तबीयत खराब हो गया पता नहीं क्यों।